हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके बाई एनके में। गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको जो बीए का पेपर होता है, बीए का पेपर होता है और बीएससी का, बीए बीएससी बीएससी एजी बीएससी होम साइंस बीएससी फिजिकल एजुकेशन और बीएससी एन बीकॉम जो पेपर होता है, इनमें जो पेपर होता है क्वालिफाइंग का पेपर भी आता है। तो इस क्वालिफाइंग का पेपर यानी जनरल अवेयरनेस ये सबको देना पड़ता है कंपलसरी और इसमें ज़रूर पास होना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूँगा, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इस मॉडल का विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। तो वीडियो पूरा देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग है कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल यह 33 लाख यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की भारत की लंबाई कितनी है? यह 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। इसके बाद भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है यानी नॉर्थ की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? उसका जो डिग्री कितना है वो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, ठीक है। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितना है? ऊपर नॉर्थ की आई थी, अब दक्षिणतम बिंदु कितना, साउदर्न पॉइंट कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है, इसके अंतर्गत संसार के कुल कितने क्षेत्रफल के का भाग आता है? तो यह 2.4%, ठीक है, 2.4%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक राज्य है जिससे होगा कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो वह कौन सा राज्य है? वह झारखंड, ठीक है। और झारखंड की जो राजधानी है वो क्या रांची, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो नहीं गुजरती गुजरात से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? यह तमिलनाडु के पूर्व में, ये जो तमिलनाडु है उसके पूर्व में स्थित है और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा इसके पड़ोसी देशों को क्या कहा जाता है? भारत तथा इसके जो नेबरहुड देश है उसे क्या कहा जाता है? ये क्या हो जाता है, दक्षिण एशिया के देश कहा जाता है उसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? यानी पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, अटैच है? तो ये है जम्मू कश्मीर अटैच है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है। इसके बाद हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो यह तेलुगु भाषा सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी के पश्चात, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, 12th, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम सिरा कौन सा है? भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम सिरा कौन सा है, उसे क्या बोलते हैं? अंडमान द्वीपों का इंदिरा पॉइंट, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो कौन सा? इंदिरा कोल। इसके बाद नेक्स्ट, 13वां, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको बताना है? तो ऑप्शन है K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है माउंट एवरेस्ट, इसकी 8,848 किलोमीटर लंबाई है, मीटर लंबाई है, 8,848 मीटर लंबाई, ठीक है। भारत का उत्तरी सीमा में पर कौन सा देश है? तो यह है आंसर इसका, नेपाल भी है, चीन भी है, भूटान भी है, और ये तीनों देश इसकी उत्तरी सीमा में स्थित है, सिचुएटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्वी सीमा पर कौन कौन से देश है? अब पूर्वी सीमा की बात करते हैं, पूर्वी यानी ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न बॉर्डर पर कौन कौन से देश है? तो ये है म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद गाइस क्वेश्चन 17,
भारत की पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश है? तो भारत की पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिम सीमा पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। इसके नेक्स्ट, म्यांमार की सीमा पर कौन सा भारतीय राज्य स्थित नहीं है? म्यांमार की बॉर्डर लाइन है उस पर कौन सा भारतीय राज्य स्थित नहीं है? इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, यानी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर स्थित है, लेकिन त्रिपुरा स्थित नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को विभाजित करने वाला रेखा का लाइन का नाम क्या है? यह बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? यह रेड क्लिप रेखा। और आपको बताना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो ये है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो गाइज मैंने आपके सामने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आने वाली जो परीक्षाएं है, जो लॉकडाउन की वजह से जो हॉलीडे रखा गया है, छुट्टी दी, 21 दिन का लॉकडाउन दिया गया है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे उनमें जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है उसका पूरा कवर मैं कराऊंगा आपको। तो वीडियो पूरी देखते रहे और चैनल पर बने रहे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।